डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को क्लास सेवन्थ एनसीआरटी मैथ्स में से है ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट हमें क्या करना है ये जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर है इनको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए आपने एक सिंपल सा रूल याद रखना है अगर हमें परसेंट बनाना हो तो हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हंड्रेड से हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो सिंपल है जैसे यहाँ पे वन बाई है तो हम क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से ठीक है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कैसे फोर टू ज एट फोर ट्वेंटी फाइव तो यह आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई टू परसेंट लिख दो या फिर इसका पॉइंट बना के ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट लिख दो तो बात एक ही है ठीक है सेम वे में यहाँ पे करते हैं हम बी पार्ट बी वाले पार्ट में देखो बच्चों फाइव बाय फोर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हंड्रेड से क्योंकि परसेंट बनाना है हमें फोर के टेबल में हंड्रेड कितने पता है ट्वेंटी फाइव पे तो ये बच्चों आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है इसी तरह से हम करेंगे सी पार्ट को तो सी वाला जो पार्ट है बच्चों हमारा सी पार्ट में है थ्री बाई फोर्टी तो हम इसको हंड्रेड से कर देंगे मल्टीप्लाई तो जीरो से जीरो टू टू ज फोर टू फाइव तो यह आ जाएगा फिफ्टीन बाई टू दैट इज सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है इसी तरह से हमारा जो डी पार्ट है टू बाई सेवन मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से अब इसमें बच्चों कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये टू हंड्रेड बाई सेवन परसेंट आप लिख दो या फिर इसको जो है आप मिक्सड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो वो आ जाएगा आपका ट्वेंटी एट इंटू फोर बाई सेवन परसेंट ठीक है नेक्स्ट करते हैं सेकेंड कन्वर्ट द गि डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट ये जो हमारे डेसीमल फ्रैक्शन है इनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था परसेंट बनाने के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई हंड्रेड से ठीक है तो पहले क्या करेंगे इसका पॉइंट हटा देंगे साथ में मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा जो हमारे डेसिमल नंबर है ना तो डेसीमल हटाएंगे और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है जैसे फर्स्ट वाला है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव तो परसेंट बनाने के लिए तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है अब इसका परसेंट बनाना तो है हमें लेकिन पॉइंट हटाएंगे पहले सॉल्व कर लेंगे इसको पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों नीचे कितना आएगा वन हंड्रेड आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं जीरो जीरो तो ये आ जाएगा वन हंड्रेड ठीक है हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटी फाइव परसेंट ठीक है सेम वे में बी पार्ट को सॉल्व करते हैं टू पॉइंट वन मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से क्यों कर रहे हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई क्योंकि हमें परसेंट बनाना है और यहाँ पर अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो बच्चों नीचे आएगा टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल तो ये आ जाएगा टू हंड्रेड टेन परसेंट ठीक है सी वाले पार्ट में देखो बच्चों जीरो पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो टू बाई हंड्रेड आ जाएगा और हंड्रेड से हंड्रेड हो जाएगा बच्चों आपका कैंसिल तो ये आ जाएगा टू परसेंट ठीक है सेम वे में आप देखें ट्वेल्व थर्टी फाइव है डी वाला पार्ट जो है बच्चों ट्वेल्व पॉइंट थर्टी फाइव है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हंड्रेड और मल्टीप्लाई में हंड्रेड क्यों लगाएंगे क्योंकि हमें परसेंट बनाना है ये हंड्रेड तो इसी स्टेटमेंट का है ये हंड्रेड हमने लगाया क्योंकि हमें परसेंट बनाना है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ट्वेल्व थर्टी फाइव परसेंट इसका आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाले में देखो एस्टिमेट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड तो हमें बेसिकली क्या करना है इसमें पहले तो हमें एस्टिमेट करना है कि कितना पार्ट जो है कितना फ्रैक्शन इस शेप का कलर्ड है तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो इसको आगे इधर बढ़ा दो इसको इधर बढ़ा दो तो चार हिस्से जो है बराबर हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं तो एक हिस्सा जो है वो शेडेड है तो फर्स्ट वाले में फ्रैक्शन पहले लिखेंगे फ्रैक्शन फ्रैक्शन बच्चों आएगा आपका वन बाय फोर क्योंकि इस तरह के चार हिस्से इसमें बनाए जा सकते हैं इस तरह से ठीक है जिनमें से एक जो है वो शेडेड है तो उसके बाद हमें परसेंट बनाना है इसका तो परसेंटेज क्या आ जाएगी शॉर्ट में लिख देते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू वन बाई फोर परसेंट बनाने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई फोर की टेबल में कैंसिल करेंगे ट्वेंटी फाइव तो आंसर आ गया आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है सेम वे में आप सेकंड पार्ट को अगर करना चाहें तो सेकंड वाले में फ्रैक्शन बच्चों आपका कितना आ जाएगा फ्रैक्शन आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव में से थ्री शेडेड है तो थ्री बाई फाइव तो परसेंटेज इसकी कितनी आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी बच्चों आपकी थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड फाइव की टेबल में कैंसिल करते हैं फाइव टू तो जो टेन ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी परसेंट इसका आंसर आपका आ जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट इसका थर्ड वाले में बच्चों देखो बच्चोंट में से थ्री पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा थ्री बाई एट एफ मीन्स फ्रैक्शन और परसेंटेज आपकी कितनी आ जाएगी परसेंटेज आएगी थ्री बाई एट मल्टीप्लाई हंड्रेड फोर टू जट होता है फोर ट्वेंटी फाइव पे तो यह आ जाएगा सेवेंटी फाइव बाई टू परसेंट ठीक है इतना आ जाएगा पॉइंट्स में चाहे तो आप पॉइंट्स में भी इसको बना सकते हो नेक्स्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल है फाइंड हमें क्या करना है इनको फाइंड करना है अब परसेंटेज इसमें लगी हुई है तो बच्चों जब भी परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो हंड्रेड परसेंट हटाने पर नीचे डिवाइड में हंड्रेड आता है परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई में हंड्रेड परसेंट हटाने के लिए डिवाइड में हंड्रेड ठीक है बात समझ आ रही है और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई तो यहां पर अगर हम ए वाली स्टेटमेंट को डी करते हैं तो फिफ्टीन का तो फिफ्टीन आ जाएगा परसेंट को हटाने के लिए नीचे हंड्रेड आएगा और मल्टीप्लाई में ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई में टू फिफ्टी आ जाएगा अब इसको सॉल्व कर देते हैं जीरो से जीरो फाइव की टेबल में चाहे तो आप कैंसिल कर दीजिए अगर नहीं करना है तो सीधा हम पॉइंट लगा सकते हैं ठीक है थीके? तो दोनों तरीके से आंसर हम लग, दे सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में बनाना चाहें तो पॉइंट में और विदाउट पॉइंट तो इसको कैंसिल करके भी आंसर आ सकता है ठीक है कैंसिल करके मैं दिखा देता हूँ आपको फाइव थ्री 15 फिफ्टीन फाइव टू ज टेन तो सेवेंटी फाइव बाई टू परसेंट ठीक है इस तरह से भी आप लिख सकते हो वरना पॉइंट में भी आप बना के इसको कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट बी वाला पार्ट में देखो वन परसेंट ऑफ वन आर अब वन आर है तो वन आर को हम मिनट्स में लिखेंगे क्योंकि इसकी परसेंटेज बनानी है तो वन आर में सिक्सटी मिनट होते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे वन परसेंट ऑफ सिक्सटी मिनट्स ठीक है अब वन परसेंट है तो वन बाई हंड्रेड ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई और सिक्सटी जीरो से जीरो कैंसिल तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स मिनट या फिर सिक्स बाई टेन भी आप इसको लिख सकते हो और या फिर आगे कैंसिल भी इसको कर सकते हो अगर कैंसिल करेंगे तो बच्चों फिर कितना आएगा थ्री टू सिक्स थ्री फाइव ओ सॉरी टू पे टू थ्री जय सिक्स टू फाइव ज टेन तो टू बाई फाइव मिनट भी आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सिक्स भी आप लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है बच्चों सी वाला पार्ट इसका सी वाले पार्ट में बच्चों देखो यहाँ पर है ट्वेंटी परसेंट तो हम लिखेंगे ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू जीरो से टू जीरो कैंसिल हो जाएगी तो ट्वेंटी फाइव टू ये आ जाएगा फाइव हंड्रेड आपका अब ये जहाँ जो यहाँ क्वांटिटी हो वही इसके आगे लगा देनी रुपए या तो रुपए लगा देने हैं ठीक है फिर इसी तरह से इसका डी पार्ट जो है बच्चों डी वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वन किलोग्राम है तो वन किलोग्राम का सेवनटी फाइव परसेंट निकालना है तो इसको ग्राम्स में चेंज कर देंगे थाउजेंड ग्राम इसको लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ थाउजेंड ग्राम ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई थाउजेंड जीरो से जीरो जीरो से जीरो तो यह आ जाएगा सेवन फिफ्टी ग्राम ठीक है ये आपका फाइनल आंसर है फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइंड द होल क्वांटिटी अब होल क्वांटिटी जब निकालनी हो अब जैसे इन क्वेश्चनों में तो ऑफ के बाद टोटल अमाउंट हमें दे रखा था लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या है फाइव परसेंट ऑफ इट इज मतलब किसी स्टेटमेंट का यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है इट का मीनिंग क्या है कोई भी स्टेटमेंट है यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक्स रख के इसको सॉल्व करेंगे ठीक है फाइव परसेंट ऑफ x इज सिक्स हंड्रेड तो दोनों में फर्क समझना है। देखो यहाँ पे ऑफ के बाद तुरंत नंबर दिया गया था एक इसका मतलब क्या है फिफ्टीन परसेंट ऑफ दिस नंबर लेकिन यहाँ पे क्या है एट फाइव परसेंट ऑफ एट इज सिक्स हंड्रेड तो मीनिंग यहाँ पर कुछ वैल्यू मिसिंग है तो हम क्या करेंगे देखो ए वाले पार्ट में पहले तो हम स्टेटमेंट को इसी तरह से लिखेंगे फाइव परसेंट ऑफ इट की जगह हम लगा देंगे x. ठीक है इज की जगह इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड तो मेनली ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से हमें लिखनी है ठीक है जब भी ध्यान रखना ऑफ के बाद अगर तुरंत स्टेटमेंट है फिर तो सीधा सॉल्व करना है अगर ऑफ इट या फिर इसकी जगह पे कुछ और एक्स वगैरह लगा रखा है तो इस तरह से स्टेटमेंट को सॉल्व करना है अब फाइव का फाइव परसेंट हटाने के लिए नीचे हंड्रेड ऑफ कमिंग मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स और सिक्स हंड्रेड एज इट इज़ अब एक्स के साथ जो कुछ भी इधर होगा ना बच्चों इसको हमें दूसरी तरफ लिखना है और लिखना कैसे है जो तो इधर पहले से राइट हैंड साइड में उसको एज इट इज़ फिर डिवाइड का साइन लगाना है जो इधर नीचे होगा ठीक है रिवर्स कर देना इसको हंड्रेड नीचे था तो हंड्रेड ऊपर चला जाएगा फाइव ऊपर था तो फाइव नीचे आ जाएगा ठीक है अब जो कैंसिल होता कर दो फाइव ऑन जो फाइव फाइव एंजा फाइव फाइव टू ज टेन तो वन ट्वेंटी आ गया और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है इस तरह से नेक्स्ट वाला देखो ट्वेल्व परसेंट बी वाला पार्ट है हमारा ट्वेल्व परसेंट ऑफ एटीज तो इसको लिखेंगे हम ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन थाउजेंड एटी रुपीज ठीक है तो इस ये बन जाएगा आपका ट्वेल्व बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू वन थाउजेंड एटी यहां से आप इसको फिर से रिवर्स लेके जाएंगे दूसरी तरफ वन थाउजेंड एटी डिवाइड में जाएगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई में हंड्रेड ठीक है अब जो कैंसिल होता है तो कर देते हैं ट्वेल्व नाइन जा कितना होता है वन जीरो और जीरो एज इट इज तो यह आ जाएगा आपका नाइन थाउजेंड इसी तरह से जो सी पार्ट है बच्चों फोर्टी परसेंट ऑफ इट इज फाइव हंड्रेड किलोमीटर तो यहां पे आप क्या लिखेंगे फोर्टी परसेंट है तो फोर्टी परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर ठीक है अब इसको जो है हम जब सॉल्व करेंगे तो फोर्टी को तो फोर्टी रखेंगे परसेंट के लिए नीचे हंड्रेड और ऑफ की जगह पे रख देंगे हम मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई में ऊपर तो जाएगा बच्चों कौन जो नीचे था हंड्रेड और ऊपर था फोर्टी ये आ जाएगा नीचे जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं फोर की टेबल पे ट्वेंटी फाइव पे ये आता है तो आ जाएगा आपका ट्वेल ट्वे, ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव और साथ में जीरो तो किलोमीटर ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा इसी तरह से सॉरी सी पार्ट था बच्चों ये मैंने यहाँ पे डी लिख दिया सी वाला पार्ट था ये डी पार्ट को करते हैं डी वाले में अगर आप ध्यान दें तो डी वाले में है सेवेंटी परसेंट ऑफ इट इज फोर्टीन मिनट तो यहां लिखेंगे सेवेंटी परसेंट को हटा देंगे नीचे हंड्रेड मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन मिनट ठीक है अब इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो फोर्टीन ऊपर कौन जाएगा हंड्रेड नीचे जाएगा सेवेंटी ठीक है और जीरो से जीरो कैंसिल सेवन टू जाए टेन जाए ट्वेंटी तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है ई पार्ट एट परसेंट ऑफ इट इज फोर्टी लीटर तो हम यहां लिखेंगे एट डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फोर्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई एट एट फोर्टी तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव हंड्रेड लीटर्स ठीक है सिंपल है ना नेक्स्ट करते हैं Sixth में है कन्वर्ट द कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म पहले तो क्या करना है इसको डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स इसका पॉइंट हटाना है हमें ठीक है तो डेसिमल में लिख देना है फिर अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको चेंज करना है जैसे ए वाले पार्ट में अगर हम देखें तो 25 परसेंट है मैंने आपको बताया था परसेंट हटाने के लिए डिवाइड में हंड्रेड आता है बनाने के लिए मल्टीप्लाई में तो यहाँ परसेंट बना हुआ है ऑलरेडी तो हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम डिवाइड में ठीक है तो ये एक तो आ जाएगा परसेंट से डेसिमल अगर बनाना है तो ज़ीरो अब इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें

पॉइंट्स डेसिमल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बच्चों जीरो से जीरो कैंसिल कर दो वन पॉइंट फाइव और जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म तो वो आ जाएगी आपकी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी फाइव थ्री जब फिफ्टीन फाइव टू ज टेन है ना तो थ्री बाई टू आ जाएगा सेम सी वाले पार्ट में देखो ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट है तो इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे हंड्रेड इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो पॉइंट टू भी लिख सकते हो जीरो पॉइंट ट्वेंटी भी आप लिख सकते हो जीरो पॉइंट टू जीरो से लास्ट पार्ट तो बच्चों आपका है फाइव परसेंट विद डी सॉरी डी पार्ट फाइव बाई हंड्रेड तो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव आ जाएगा और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं कैंसिल करते हैं तो फाइव 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 टू जीरो ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है अब करते हैं हम नेक्स्ट इन अ सिटी आर फीमेल्स एक सिटी के अंदर एक शहर के अंदर थर्टी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो फीमेल है ठीक है लेडीज हैं फोर्टी परसेंट आर मेल्स और मेल्स हैं फोर्टी परसेंट एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन और जो बचे हुए हैं वो बाकी सारे बच्चे हैं तो परसेंटेज ऑफ फीमेल कितने थर्टी परसेंट मेल्स कितने हैं फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट है ना फोर्टी परसेंट रिमेनिंग चिल्ड्रन है तो वट परसेंट आर चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन की परसेंटेज कितनी है तो हम क्या करेंगे हंड्रेड होती है टोटल परसेंटेज हंड्रेड परसेंट में से थर्टी को भी माइनस कर देंगे और फोर्टी को भी माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हंड्रेड में से पहले थर्टी को माइनस कर लो कितना आ जाएगा सेवेंटी में से फोर्टी को माइनस कर दो फिर कितना आ जाएगा आपका थर्टी परसेंट ठीक है ये आपका आंसर है है ना सिंपल नेक्स्ट करते हैं आउट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्युएंसी सिक्सटी परसेंट वोटेड मतलब एक किसी निर्वाचित क्षेत्र में पंद्रह हज़ार टोटल वोटर्स हैं ठीक है थीके? कोई एरिया है वहां के टोटल वोटर्स कितने हैं फिफ्टीन थाउजेंड जिनमें से सिक्सटी परसेंट लोगों ने वोट डाले हैं तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक है कि वो वो परसेंटेज कितनी है जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है तो उनकी परसेंटेज बता बतानी है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट फिर हमें कहा गया कि क्या आप नंबर ऑफ पीपल भी बता सकते हो जिन्होंने वोट नहीं डाला तो वो भी हम बता सकते हैं परसेंटेज का यूज करके तो पहले तो हम यहां लिखेंगे टोटल वोटर्स टोटल वोटर्स ठीक है कितने हैं फिफ्टीन थाउजेंड अब यहां पर लिखेंगे परसेंटेज या फिर हु वोटेड हु वोटेड कितने हैं सिक्सटी परसेंट और हमें पता नहीं है कितने परसेंट ने वोट नहीं डाला तो वो कैसे निकालेंगे हंड्रेड में से माइनस करके यहाँ पर निकालेंगे हु डिड नाट वोट हु डिड नाट वोट जिन्होंने वोट नहीं डाला है बच्चों वो हो जाएंगे आपके हंड्रेड माइनस सिक्सटी तो ये हो जाएगा फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट ने वोट नहीं डाला तो फर्स्ट का तो ये आ गया आंसर फिर कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट तो अब क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लोगों ने एक्चुअल में वोट नहीं डाला है तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे फोर्टी परसेंट ने नहीं डाला ना किसके फोर्टी परसेंट तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल हु हु डिडंट डिडंट वोट वोट कैसे लिखेंगे इसको फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल टोटल है फिफ्टीन थाउजेंड अब ये हटाना मैंने आपको सिखाया फोर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन थाउजेंड कैंसिल कर दो जीरो से जीरो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन फोर जाए सिक्सटी ये आ गया वन टू टू जीरो तो सिक्स थाउजेंड लोगों ने वोट नहीं डाला है ठीक है नेक्स्ट करते हैं मीता सेव्स फोर थाउजेंड फ्रॉम हर सैलरी मीता क्या करती है जो भी उसको उसकी सैलरी मिलती है उसमें से फोर थाउजेंड रुपीज़ जो है वो सेव कर लेती है बचा लेती है बाकी खर्च कर खर्च कर देती है इफ़ दिस इज़ टेन परसेंट ऑफ हर सैलरी और ये जो चार हज़ार हैं फोर थाउजेंड है वो उसकी पूरी सैलरी का सिर्फ टेन परसेंट है वाट इज़ हर सैलरी तो हमें बताना है उसकी सैलरी कितनी है तो बच्चों हमें टोटल सैलरी निकालनी है तो इस केस में हम उसको एक्स मान लेंगे या फिर टोटल सैलरी ही वहां पे रख देंगे अब कितनी परसेंटेज है और फोर थाउजेंड है यहां पे लिखेंगे मीता मनी सेव्ड बाय मीता मनी या फिर सैलरी सेव्ड बाय बाय मीता जो है कितनी सैलरी सेव करती है फोर थाउजेंड रुपीज ठीक है और ये उसकी पूरी सैलरी का कितना है टेन परसेंट तो हम यहां लिखेंगे टेन परसेंट ऑफ टोटल सैलरी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड रुपीज टोटल सैलरी का टेन परसेंट कितना है फोर थाउजेंड अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं नीचे हंड्रेड ऑफ कमिनिंग मल्टीप्लाई टोटल सैलरी को हम लिख देंगे टी एस इज इक्वल टू फोर थाउजेंड अब जो नीचे है वो कहाँ जाएगा ऊपर तो टोटल सैलरी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड डिवाइड में कौन आएगा जो ऊपर था टेन ऊपर मल्टीप्लाई में कौन जाएगा जो नीचे था हंड्रेड ठीक है जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो आ जाएगा फोर थाउजेंड इन टेन फोर्टी थाउजेंड ठीक है कंप्लीट कर लेना है नेक्स्ट है ए लोकल क्रिकेट टीम प्ले ट्वेंटी मैचेस इन वन सीजन एक लोकल क्रिकेट टीम है उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले हैं टोटल मैचेस एम ए टी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने एम ए टी सी मैचेस ठीक है तो मिस्टेक को अपने तुरंत जो है फाइंड आउट कर लेना चाहिए इन वन सीजन एक सीजन में कितने खेले उन्होंने मैच तो क्या होता है इफ वॉर्न ट्वेंटी परसेंट ऑफ देम ट्वेंटी परसेंट उसमें से जीत लिया हाउ मेनी मैच परसेंटेज गिवन है तो हमें मैच निकालने कितने जीते उन्होंने तो कैसे निकलेगा यहां लिखेंगे हम ट्वेंटी मैचिज विन मैच दे विन या वॉन इज इक्वल टू कैसे आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल टोटल कितने हैं ट्वेंटी तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी तो जीरो से जीरो या फिर ट्वेंटी फाइव बन जाए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड ठीक है ऐसे ना आए तो फाइव पर कैंसिल कर लेना फोर फाइव जो ट्वेंटी तो ये आ गया फाइव मैचेस उन्होंने जीते ठीक है तो इसी के साथ जो है हमारी एट पॉइंट टू जो है वो कंप्लीट होती है बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी आप एन सी स्टडी करते हैं या ऑक्सफोर्ड मैथ्स की वीडियोज भी अवेलेबल हैं और साथ के साथ हमारे चैनल पर बहुत सी मैथ शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं धन्यवाद